मार्केट कमेटी में कार्यरत 22 कर्मचारी पिछले 78 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि ये बात कर्मचारी नेताओं ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे मार्केट कमेटी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आदेश जारी कर रखे हैं कि जो कर्मचारी पहले 10-15 साल से विभाग में कार्यरत हैं, उनको निकाला नहीं जाएगा, परंतु ठेकेदार अपने चहेतों को नौकरी देने के उद्देश्य से इनको निकालने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते ये पिछले 78 दिनों से कई बार जिला उपायुक्त एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को मिलकर अपनी बात रख चुके हैं, परंतु इनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया जाता, जिसके चलते आज यहाँ लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है। जो भी आदेश प्रतिनिधिमंडल को मिलेगा, उसी के अनुसार आगे धरने प्रदर्शन एवं संघर्ष करने की रणनीति अपनाई जाएगी। इस मौके पर समाज सेवी सोनिया तंवर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निकाले गए इन कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा गया तो आगामी दिनों में संघर्ष और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। यहां हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 78 दिनों से मार्केट कमेटी में कार्यरत 22 कर्मचारी विभाग द्वारा निकाले गए हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर नियमित करने की मांग कर रहे हैं, परंतु बार बार जिला उपायुक्त से मिलने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए आज लघु सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं जिला उपायुक्त को अपनी बात कहने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल अंदर भेजा गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है। पिछले 78 दिन से ये कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, लगातार वहाँ के CA के माध्यम से मांग पत्र दे रहे हैं, करनाल को DC को भी मांग पत्र दे चुके हैं। ये मांग कर रहे हैं, अभी जैसे हम 10-15 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको जल्द से जल्द नौकरी पे लिया जाए। और लेकिन वहाँ का CA नहीं सुन रहा है, वहाँ जो ठेकेदार है नए कर्मचारियों को नौकरी पे रख रहा है, जबकि हरियाणा सरकार की चिट्ठी भी जारी है, जो जिस जगह नौकरी पे करे उसको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आज किस लिए आए हैं? आज ये आज हम DC से बातचीत करने का समय है, और इनको नौकरी पे रखवाने के लिए आज यहाँ प्रदर्शन किया है 4th क्लास कर्मचारी के नेतृत्व में और सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में। हाँ जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे आज इकट्ठे हुए हैं? सर 22 लोगों को जो नौकरी से निकाला गया ना, हम तो सिर्फ कारण पूछ रहे हैं। कारण ये कह रहे हैं कि ये लोग काम नहीं करते तो शिकायतें तो दर्ज होगी ना कि फलाना आदमी काम नहीं करता। हम कह रहे हैं आप दिखाओ किसके आदमी के खिलाफ शिकायतें दर्ज है। अचानक से हटा देना और अचानक से 19 लोग पहले से तय करना, और कारण सिर्फ इतना से है कि ये लोग जो है वो RSS के कच्छे नहीं बैठ रहे, इनकी आप नहीं करनी बैठ रहे, इसलिए हटा दिए और अपने लोग लगा दिए। सिर्फ इतना सा कारण है, और मैं तो बता रही हूँ, मैं तो चेतावनी देना चाहती हूँ DC साहब को भी और मुख्यमंत्री को भी कि अभी तो ये छोटी सी लड़ाई दिख रही होगी आपको, लेकिन अगर इन लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे नहीं रखा गया तो तमाशा देख लेना फिर। आज क्या मांग करने है? आज मांग सिर्फ इतनी सी कि हमारे जो भाई हटाए गए हैं उनको वापस लगाया जाए, और जो उनसे नए लगाए गए हैं उनको कहीं और शिफ्ट करो। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें हटा दो, उन्हें कितना और शिफ्ट करो, लेकिन हमारी जगह वही पक्की होनी चाहिए। किसे मिलेंगे आज? DC साहब ने अभी एक कमेटी की टीम बुलाई है, वो अंदर बातचीत करने के लिए गई हुई है, अभी देखते हैं कि वो लोग बाहर आकर क्या आदेश करते हैं। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।